आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप कल से मेगा कैंपेन शुरू करने जा रही है। इस मेगा कैंपेन के तहत 14,000 बूथों पर जनसंवाद किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की मेगा कैंपेन के बारे में आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय, टोटल न्यूज संवाददाता कुलदीप शर्मा ने खास बातचीत की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। तैयारियों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है गोपाल राय जी। गोपाल राय जी, एक मेगा कैंपेन आप शुरू करने जा रहे हैं, थोड़ा सा बताइए विस्तार से किस तरीके से ये मेगा कैंपेन होगा और कब से इसकी शुरुआत हो रही है। दिल्ली के चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियां तेज करते हुए कल से जनता के बीच में सीधे पहुंचने के लिए हर बूथ स्तर पर ये मेगा कैंपेन चलाने जा रही है। इस मेगा कैंपेन के दौरान दिल्ली के 14,000 बूथों पर जनसंवाद आयोजित किए जाएंगे, जिसका नेतृत्व वहाँ के माननीय विधायक और जहाँ विधायक नहीं है वहाँ विधानसभा अध्यक्ष और संगठन मंत्री इसका नेतृत्व करेंगे और हर बूथ पर इस कैंपेन के माध्यम से आम आदमी पार्टी पहुँचने की कोशिश कर रही है। मुद्दे क्या रहेंगे इस जनसंवाद के, किन चीज़ों पर फोकस करेंगे? इस जनसंवाद के दौरान अब तक दिल्ली में जो सरकारें बनी हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो काम किया है उस पर चर्चा होगी, इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही है उनके कामों पर चर्चा होगी और उसके पहले भाजपा की सरकार रही 5 साल उनके कामों पर चर्चा होगी। तो अभी तक दिल्ली में जनता के हित के लिए जो सरकारों ने जो जो काम किए उन कामों पे फोकस किया जाएगा, उस पे डिस्कशन किया जाएगा और उसके बाद फिर जो जनता का फैसला होगा उसे जो है फिर लेकर के आगे बढ़ा जाए। विधायकों को आपने बड़ी जिम्मेदारी दी है इस कैंपेन में, साथ में आप कह रहे हैं कि जो पूरा जनसंवाद होगा उसकी मॉनिटरिंग जो है पार्टी से की जाएगी सीधी, तो क्या माना जाए कि ये एक तरीके का आकलन करने की आप कोशिश कर रहे हैं अपने विधायकों के कामकाज की? नहीं, विधायक भी काम कर रहे हैं लेकिन निश्चित रूप से बूथ स्तर का मेगा कैंपेन इस चौथे चरण में हमने शुरू किया है। पहले चरण में मैं खुद यात्रा पर था पूरे 70 विधानसभा में, उसके बाद 14 जिलों में मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल ने सीधे संबोधित किया था और उसके तीसरे चरण में जन संगठनों के जो हमारे फ्रंटल संगठन है उनका जनसंवाद चला है। अब बूथ स्तर पे सीधे 14,000 जगहों पर ये जनसंवाद होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें जो सबकी सक्रियता इस पूरे अभियान की सफलता में एक मील का पत्थर साबित होगी और उससे सबके कार्य गतिविधियाँ ही पता चलेंगी। एक आखिरी सवाल, अमूमन हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी सबसे पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर देती है, अब दिल्ली का भी चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, तो कब से प्रक्रिया शुरू होगी उम्मीदवारों के चयन की और कब से लिस्ट आनी शुरू होगी? ये अभी जो कैंपेन है ये 18 नवंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा, इस कैंपेन के बाद फिर कैंडिडेट की प्रक्रिया शुरू कर। तो बिल्कुल, ये मेगा कैंपेन जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू करेगी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।